क्लिक में आपका स्वागत है। पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज टटोलने के लिए हम पहुंचे झारखंड की राजधानी रांची में। रांची में जो चुनाव है यह बहुत ही दिलचस्प किस्म का होता दिखाई दे रहा है। यहां भाजपा का जो जोर है, शोर है और जिस तरह का प्रचार है उसमें उसका कोई सानी नहीं है। हर तरफ सिर्फ नरेंद्र मोदी का पोस्टर दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्टर्स हैं उसमें से मुख्यमंत्री ऊपर छोटे से दिखाई देते हैं बाकी और नेताओं के साथ। यानी मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा यहाँ पर मोदी है, मोदी सरकार के नाम पर ही वोट माना जा रहा है और जो मोदी समर्थक हैं यहाँ पर वह भी सिर्फ मोदी मोदी और मोदी कहते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो गठबंधन है वह काफ़ी मजबूत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम शक्तियाँ एक साथ आई हैं, जिसमें आदिवासी समाज के जो संगठन हैं वो हैं, कांग्रेस है, बाकी तमाम लोगों का एक गठबंधन बना हुआ है जो कि सीधे सीधे चुनौती दे रहा है मोदी सरकार के 5 सालों को और रघुवर दास के यहाँ के जो अपने तक के साल हुए हैं उनको। गरीब को कोई नहीं देखता है, सरकार है अपना मतलब ही, गरीब को नहीं देखता है। क्या कहा था कि किसान को इतना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, किसान कितना आत्महत्या किया, सुखाड़ पड़ रहा है, ये थी पड़ रहा है, सब कोई नहीं देख रहा है, सब कोई अपना मतलब का आदमी है। बोला था कि हम इतना देंगे, काला धन निकालेंगे तो इतना देंगे, 15 लाख। काला धन गया कहाँ, काला धन गया कहाँ, बीजेपी के पॉकेट में गया कि कांग्रेस के पॉकेट में गया, कहाँ गया। हम लोग कॉन्टैक्ट बेसिस पे है, क्या है, सरकार बोली थी कि इन लोग को डेली 300 रुपया करके मिलना चाहिए, 300 रुपया तो है नहीं, 3000 रुपया तनख्वाह है, 3000 रुपया। किस काम के लिए हम लोग है, मैंने ऑफिस के काम है, लेकिन 3000 रुपये, 3000 में आजकल के युग में क्या होता है, सिर्फ 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपया पूछ लीजिए, हम लोग एक है। अच्छा, ये भी था जो कि मोदी सरकार ने बोला था कि जनधन खाता में आपका हर महीना पैसा आपका जाएगा, अब कुछ दिन पहले भी बोले थे कि आपका खाता में पैसा पहुँचेगा, किसी का अभी तक जो है कि 5 नया पैसा नहीं पहुंचा है, नहीं नहीं आया जी, नहीं, जो भी जमा है, जिसका भी जमा है वो निकालने जा रहे हैं तो बोलता है कि ये पूरा नहीं निकलेगा, आपको इतने पैसा मिलेगा, कहा ऐसा है। राशन दुकान में जो किया है ये ठेपा सिस्टम, मान लीजिए ये अंगूठा नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या है कि न गेहूँ दे रहा है न आपको चावल दे रहा है, सीधे बोल रहा जाइए जो करना कीजिए, कंप्लेन कीजिए जाके। अभी तो ऐसे मोदी की बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी हिंदुत्व के कारण जी, क्योंकि मोदी जी जो है वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करके पिछड़े वर्ग के लोगों को और बाकी लोगों को अपने साथ रख के रखे हैं। अभी वाल्मीकि समाज में लोग क्यों मोदी के समर्थन में जा रहे हैं, क्या हिंदुत्व का असर ज़्यादा है? जी हाँ, हिंदुत्व का असर ज़्यादा है इसमें और कुछ नहीं। आपने बताया कि बजरंग दल में भी लोग काफ़ी शामिल हुए हैं। हाँ, पिछड़े वर्ग के लोग काफ़ी संख्या में बजरंग दल में और शिवसेना में शामिल है। वहाँ जाके वो क्या करते हैं? वहाँ जाके वो रैली में जैसे कार्यकर्ता के तौर पे बस, और कुछ नहीं, उनका कोई अपना अस्तित्व टाइप का एक पोस्ट होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है उनका, बस वो ज्वाइन है मेंबरशिप में। अभी झारखंड में पूरा हमारा बीजेपी का जोर बना हुआ है, वहाँ पर हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि इस बार बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा और कुछ लोग उनके अगेंस्ट चल रहे हैं कि नहीं इसमें देंगे, वो बोल रहे कि नहीं हम इस बार कांग्रेस को देंगे, अगर कांग्रेस नहीं है मतलब बीजेपी को वोट अगर देते हैं तो हमारा आरक्षण चला जाएगा, कुछ आरक्षण तो चला गया है, और फिर बोल रहे कि कांग्रेस को देते हैं तो ये ठीक रहेगा, तो ये डिबेट अभी तक चल रहा और इलेक्शन कुछ समय दिन आने वाला है। वहाँ एक कम्युनिटी गठित है बजरंग दल बोल के, बजरंग दल के नाम से वहाँ पर पूरा कम्युनिटी चलाया जाता है, तो वो जितने भी हैं वो राम भक्त है और वो बोलते कि नहीं हम तो बीजेपी को देंगे ही, कि बीजेपी पूरा हिंदू का समाज का है, मतलब हिंदू का सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को नहीं देना है, इस प्रकार का बातें होती हैं। हम आदिवासी सेना महासभा का हम कार्यकर्ता हैं तो हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग जो भी चाहे भू अर्जन कानून है, तो ये तमाम मुद्दा है जो बीजेपी सरकार में हो रहा है,
और बता देना चाहेंगे धर्म बिल, हाँ ना, धर्म बिल आया है अभी रघुवर दास, तो हम बता देना चाहेंगे धर्म बिल से हम लोग को कोई फायदा नहीं। और अभी जो विधानसभा के इलेक्शन है तो वहाँ हम लोग सब आदिवासी संगठन बैठेंगे और नया उलगुलान करेंगे और आदिवासी ही सरकार का नारा देकर हम लोग जितना भी आदिवासी संगठन है सब एक मंच पर आएंगे और कांग्रेस को भी भगाएंगे और बीजेपी को भी हटाएंगे। बीजेपी तो हम लोग का जो सरना संस्कृति है ना मैम, उसको तो ये जमीन से ही उठा के सरना सनातन एक ही बोल दे रहा है, तो उसमें कोई बोलने वाला कोई है ही नहीं, ना बीजेपी बोल सकता है ना कांग्रेस। तो हमको लगता है कि एक सिक्का का ये लोग दो पहलू है, बीजेपी और कांग्रेस। समझ में नहीं आता है कि नया लड़का आज का न्यू जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगा। आज भी देखिए पढ़ा लिखा आदमी ऑटो ही चला रहा, रिक्शा ही चला रहा, अमीर देखिए मैडम और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब, रीजन इसमें बहुत है, इसमें रीजन बहुत है। और रीजन रहने का ये कारण है कि देखिए आज के डेट में नोटबंदी हुआ, नोटबंदी हुआ, अमीर को तो कुछ नहीं हुआ, आज कितने सारे गरीब के घर में शादी रहा, कितने जन फांसी लगा लिए, खुद ब खुद मर गए, इस वजह से देखिए गरीब और गरीब। ऐसा भी हुआ जी, ऐसा हुआ हमारे यहाँ खुद हुआ, आपने देखा हमारे घर में हुआ, मैं किसको जाहिर करूँ, आपके घर में क्या हुआ, हमारे घर में शादी थी, 8 नवंबर को घोषणा किए आप, 9 नवंबर को नोटबंदी, 12 नवंबर तक घर में शादी, कहाँ से कर पाएंगे, सारा खत्म, शादी नहीं हो पाई, शादी नहीं हो पाई, सिर्फ नोटबंदी के चलते शादी नहीं हो पाई, आज भी हमारी बहन बैठी हुई है। अभी 2019 के चुनाव में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और एक टीचर होने के नाते जो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि काफ़ी पास्ड आउट स्टूडेंट्स को देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं कि वो लोग ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशूज़ ये होता है कि हम लोगों को पढ़ने के बाद इसके आगे क्या होगा, तो वो लोग इन सब मुद्दों को काफ़ी आगे ला रहे हैं, प्लस एनवायरनमेंट के मुद्दों को काफ़ी आगे ला रहे हैं, क्योंकि झारखंड में जैसे कि बहुत ही मिनरल रिच एरिया है, फॉरेस्ट रिच एरिया है, और काफ़ी बच्चे यहाँ आदिवासी जो बच्चे भी पढ़ने आते हैं वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर, और यहाँ के जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स हैं, इन सबको बचाने के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट्स जागरूक हो रहे हैं। तो वो 2019 में एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो इन सब मुद्दों को जॉब्स प्लस एनवायरनमेंट और स्पेशली जॉब्स इन मुद्दों को आगे रख रहे हैं। लोगों में काफ़ी आदिवासियों में खासकर एक डर का माहौल और स्पेशली माइनॉरिटीज़ में भी काफ़ी डर का माहौल हम देख पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे अगर सोशल मीडिया में या फिर ऐसे भी बोलते थे तो उनको एक डर का माहौल हो जा रहा है कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा या इसका क्या एक्शन हमारे ऊपर असर क्या पड़ जाएगा, तो काफ़ी लोग डर का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट काफ़ी लोग बाहर भी आ रहे हैं कि हमें इस डर के आगे निकल कर अपने बात को या अपने वॉइस को बढ़ाना है अपने कम्युनिटी के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। हमें लगता है कि मुद्दा से थोड़ा भटक के बात हो रहा है, क्योंकि इन्हें मोदी जी को बात करना चाहिए बेरोज़गारी पर और जो मुद्दा उस पर बात करना चाहिए, लेकिन ये बात करते हैं पुलवामा वाले हमला पे और जो बीच में जो आतंकी हमला हुआ उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि देखिए हमने ये किया वो किया, लेकिन वो उनको बात करना चाहिए कि उन्होंने कितना रोज़गार दिया हमें और कितना स्कूल कॉलेज को कितना डेवलप किया, हॉस्पिटल में क्या डेवलपमेंट हुआ, जो हमारा सड़क है उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सब पे उनको बात करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो अभी है मोदी जी सरकार है इनको थोड़ा सा इसमें बदलाव आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी वादा किया था जो कुछ भी वादा किया था उसमें बहुत सारे वादे पूरे नहीं हुए। परेशानी यह है कि जो महंगाई बोले थे कम होगा वो नहीं हुआ, बेरोजगारी के बारे बोले थे वो भी कम हुआ, और भी चीज़ है जैसे जिसमें है कि वो सब वादा जितने किए थे वो पूरा नहीं हुआ, कुछ जनधन योजना खोलवाए थे बोले थे इसमें इतने पैसे आएंगे वो भी नहीं आया, तो ये सब लेकर के है कि
और इसका आने से बहुत सारा झगड़ा फसाद भी बहुत हो रहे हैं, हर जगह सुनने में आता है लड़ाई झगड़ा या मॉब लिंचिंग का कांड हो जाता है। गौर जी जी मॉब लिंचिंग होता है कि गौ रक्षक के नाम पर जो हत्याएं हो जाती है, तो ये सब को भी बंद होना चाहिए। तो ये सब समस्याएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें बदलाव आने चाहिए। जहाँ तक सवाल है रांची लोकसभा का, तो यहाँ पर पहले यहाँ सिटिंग MP हुआ करते थे रामटहल चौधरी जी, तो वरिष्ठता के आधार पर उनकी टिकट भाजपा ने काट दी है। तो ये सियासी हलकों में ये चर्चा आम है कि जो भाजपा का वोट था, जो महतो वोट था, महतो वोट की संख्या बहुत अच्छी है, 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास है, वो वोट जो भाजपा का वोट हुआ करता था वो वोट कट जाएगा। रामटहल चौधरी उसे काटने की क्षमता रखते हैं। यदि वो 1.5 से 2 लाख वोट भी महतो वोट काट लेते हैं तो ये प्लस कांग्रेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ यहाँ का अल्पसंख्यक जुड़ा हुआ, यहाँ के आदिवासी जुड़े हुए हैं, यहाँ के मिशनरी जुड़ी हुई है। देखिए झारखंड में वो जो बार बार आपको कह रहा हूँ कि हिंदुत्व के सवाल पर कि थोड़ा लीड करेगी, लूज करेगी पहले जितनी सीट थी भाजपा, लेकिन ये जो गठबंधन है 5 दलों का या 4 दलों का गठबंधन है, ये टक्कर में रहेगा। या 7-7 सीट ला सकती हैं वो लोग, या कोई 8 से 8 ले आए भाजपा, या 8 सीट ये कांग्रेस ले आए, ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छे संघर्ष है। हाँ जी हाँ हाँ जो नहीं जो आदिवासी के साथ जो मिशनरी से जुड़े हुए आदिवासी हैं, जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं, जो मसीही आदिवासी हैं, वो पूरी तरह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं पूरी तरह। और जो पत्थलगड़ी का जो मामला हुआ था खूंटी में, उसके कारण से कुछ और जो सरदा आदिवासी कहे जाते हैं वो शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस की ओर। झारखंड में हमने देखा कि किस तरह से भाजपा अपने प्रचार में बिल्कुल मुस्तैद है और नीचे तक पहुंची हुई है। हर तरफ उसका प्रचार है, हर तरफ TV के माध्यम से, बाकी तमाम प्रचार माध्यमों से, फ़ोन से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से भाजपा अपने चुनाव प्रचार को नीचे तक ले गई है। जो लोग उसके सबसे ज़्यादा सताए हुए लोग हैं वही उसकी भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आदिवासी समाज है उसे लग रहा है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने उसके ऊपर हमले किए, अगर वह अब नहीं खड़ा हुआ तो उसके लिए आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल होगी। और नौजवान भी उस समुदाय का जो है वो खुल कर बोलता है कि हमें मजबूरी में ही भाजपा का विकल्प कांग्रेस को चुनना पड़ रहा है। झारखंड में इस बार निश्चित तौर पर भाजपा गिरावट की ओर जाएगी। यहाँ पर जो गठबंधन है वह मजबूत हुआ है, उसके पक्ष में लोग हैं, आदिवासी मुखर हैं, जो गठबंधन है वह मुखर है, तो वोट तो कम होने हैं, सीटें तो कम होनी हैं, लेकिन कितनी यह तो निश्चित तौर पे जो EVM और VVPATs के ज़रिए जो लोग अपने वोट डालेंगे उसके बाद ही पता चलेगा।